हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद एनी। मैं आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के लिए मिक्सर ग्राइंडर लेकर आई हूँ, क्योंकि मोस्टली आपने देखा किचन में हमारी जरूरतों के लिए मिक्सर ग्राइंडर भी काफ़ी यूज़ की जाती है, क्योंकि यही हमारे काम को बहुत आसान कर देती। कोई भी चटनी वगैरह हमें बनानी हो या कोई भी मसालों, कोई भी सब्जी के लिए भी अगर आपको ग्रेवी बनानी हो तो वो हम मिक्सर के द्वारा ही बना सकते हैं। कोई भी साबुत मसाले हो उन सबको मिक्सर में ही हम ग्राइंड कर सकते हैं। बट हमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि कौन सी मिक्सर हमें खरीदनी चाहिए जो हमारे भारी से भारी मसाले भी हो उनको घर पर ईजिली पीस दे और हमारा काम आसान हो जाए। तो आज के मेरे वीडियो में टॉप 5 ऐसी मिक्सर ग्राइंडर मैं आपको दिखाऊंगी जिन्हें आप खरीद सकते हैं। इनमें से कोई सी भी आपको पसंद आएगी तो आप खरीद सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट बात करते हैं ये फिलिप्स के मिक्सर ग्राइंडर की, और इसका जो मॉडल नंबर है HL770/00, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर इजीली कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको 4 जार मिलेंगे जिसमें आप इजीली चटनी भी बना सकते हैं, मसाले भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई जूस वगैरह भी बनाना है, जैसे मैंगो शेक वगैरह कुछ भी बनाना है, कोल्ड कॉफी बनानी है, वो भी आप इजीली इसमें बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, 750 वोल्टेज है। और साथ ही साथ इसमें जो आपको कलर मिलेगा, ब्लैक कलर आपको इसमें मिलेगा। और इसका जो मटेरियल है वो एप्स मटेरियल है, और इसकी जो प्राइस है वो 6,999 रुपीज़ इसकी प्राइस है। काफ़ी अच्छा है, हैवी है, इसमें आप हैवी से हैवी मसाले भी पीस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें नंबर दिए हुए हैं जिसके हिसाब से आपको जो भी रखना है, हाई पे रखना है, लो पे रखना है, मीडियम पे रखना है, उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। और इसकी जो पत्ती है वो भी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट है, ईजिली ख़राब भी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे मसाले करते हैं जो इनमें जो पत्ती लगी हुई रहती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बट इसकी मेटेलिक इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। एंड गाइस, 1 ईयर की इसमें एक्सटेंड वारंटी आपको मिलेगी। अगर इस दौरान आपकी ये ख़राब हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तार वार में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसे एक्सचेंज करा सकते हैं। एंड गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस्टीज की, यह है मिक्सर ग्राइंडर जिसमें आपको 3 स्टेनलेस जार मिलेंगे, साथ ही एक जूसर मिलेगा। गाइस, इसका जो ब्रांड है वो प्रेस्टीज का ब्रांड है। एंड गाइस, साथ ही इसमें आपको व्हाइट एंड ब्लू कलर मिलेगा, और इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का मटेरियल है, 38% इसमें डिस्काउंट है। और इसकी जो प्राइस है 2,960 रुपीज़ इसकी प्राइस है, ये भी काफ़ी अच्छा है, 750 वोल्टेज है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। साथ ही आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, ये भी बहुत अच्छी है, हैवी मसालों को पीस सकती है। मैंने इसमें 5 ऐसी मिक्सर ग्राइंडर चूज़ करी है जो काफ़ी बेस्ट है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। ये साथ ही आपको एक जूसर मिल रहा है जिसमें आप जूस वगैरह, कोई भी वेजिटेबल जूस अगर आपको बनाना है, लौकी का जूस बनाना है, टमाटर वगैरह, ईजिली आप बना सकते हैं। साथ ही आप चटनी भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 स्टेनलेस जार है, जो काम छोटे से बड़े की तरफ है, जिसमें अगर आपको थोड़ी सी चटनी वगैरह बनानी है, छोटा काम करना है, तो आप इजीली छोटे वाले में कर सकते हैं, बीच वाले में भी आप मसाले वगैरह पीस सकते हैं, एंड जो बड़ा है उसमें आप हैवी मसाले पीसिए, मिर्ची वगैरह पीसिए, जो आप इजीली पीस सकते हैं, दाल वगैरह पीस सकते हैं। मोस्टली आपने देखा हलवे के लिए भी दाल वगैरह पीसी जाती है, तो आप इससे पीस सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी काफ़ी कम है, साथ ही प्रोडक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं महाराजा व्हाइट लाइन स्टेनलेस जार की। ये जार भी मिक्सर ग्राइंडर भी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो वोल्टेज है वो 1000 है। मिक्सर का जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। इसकी जो प्राइस है वो 4,374 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 10% इसमें डिस्काउंट है। तो अगर आपको ये मिक्सर ग्राइंडर पसंद आती है तो आप ये भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। और इसका जो वोल्टेज है वो 1000 है, जो कि अभी तक जो मैंने 2 दिखाई हैं उनसे ज़्यादा ही है। बात करते हैं बटरफ्लाई स्टोर जेट एलाइट मिक्सर ग्राइंडर, 3,135 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और इसका जो मटेरियल है वो एप्स मटेरियल है, और जो कलर है वो ग्रे कलर है, 38% इसमें डिस्काउंट है, और इसका जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट। अगर आप कम वोल्टेज की लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, मटेरियल भी काफ़ी बेस्ट है, ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपकी फैमिली छोटी है, छोटी फैमिली के हिसाब से ये मिक्सर ग्राइंडर काफ़ी बेस्ट है, और प्राइस भी काफ़ी कम है।
गाइस नेक्स्ट बात करते हैं बजाज क्लासिक की मिक्सर ग्राइंडर। बजाज की मिक्सर ग्राइंडर भी काफ़ी अच्छी होती है और इसके जो प्राइस है वो 3145 रुपीज़ इसकी प्राइस है और इसके अंदर आपको व्हाइट और मेहरून कलर मिलेगा। क्या जो मॉडल नेम है वो बजाज क्लासिक ही है। ये मिक्सर ग्राइंडर भी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आपको ये पसंद आती है तो ये भी आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके भारी से भारी मसालों को एक बार में ही पीस देगी, आपको अलग अलग भागों में पीसने की भी ज़रूरत नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पीसेंगे, क्योंकि कई मिक्सर ग्राइंडर ऐसी होती है जिनका वोल्टेज इतने हैवी नहीं होते कि वो एक साथ मिक्सर भारी सामान को ईजिली पीस लें, बट ये आपके ईजिली पीस लेंगी और साथ ही आपको काफ़ी पसंद आएंगी। और इससे रिलेटेड और कुछ भी आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।